फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ, मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ झींगा बिरयानी। झींगा बिरयानी यानी कि प्रॉन्स बिरयानी आज बनाने वाली। लेकिन मैं आज ऐसा क्या खास है तुम बिरयानी बना रहे हो भी झींगे की? हाँ, तो मुझे बड़े बड़े झींगे मिल गए ले। हाँ, तो नाजो अपन है ना, झींगे लाके दी अम्मी को, यानी कि मेरी बड़ी बहन ने। तो अम्मी बोले क्या बनाएगी आज? मैं बोला अम्मी देखो, झींगे की डिश बनाना है तो बिरयानी बनाओ। मैंने तो मजाक किया था, मैंने तो दिल पे ले ली। बोले मजाक नहीं किया था। मैंने इसको फ्राई करके खाने दे रही थी। बोला नहीं, अभी मैं बिरयानी ही खाऊंगा, मैं आपा के यहाँ खाया था बिरयानी। बोले अच्छा ठीक है, चल बिरयानी बनाते। ईद के मौके पे ना आपा ने हमें झींगा बिरयानी बना के खिलाई थी। तो मैंने अम्मी को बोला की मेरे को भी झींगा बिरयानी चाहिए। तो मैं बोला ठीक है बनाते। बोला चलो अच्छी बात है, अभी तुम वो सोयाबीन के अभी बिरयानी बना के दे देते तो चलता था मेरे को, क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे थे। अच्छा, कमेंट आ रहे थे। मेरा बच्चा इतना कैसे सुधर गया कि सोयाबीन की बिरयानी खाने मांग रहा है। हाँ यार, बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि सोयाबीन की बिरयानी बनाओ। तो यार ये वीडियो में जिसको भी सोयाबीन की बिरयानी मांगता है यानी कि चाहिए रेसिपी, तो ये वीडियो में कमेंट करके भर दो। मैं इन लोगों को ना खिलाती थी छोटे थे, तो सोयाबीन की बिरयानी देखे अभी ये नकली गोश है ना, नकली चिकन। हाँ, नकली चिकन, नकली गोश्त है ना ये। तो बहुत से लोग ऐसे बोलते भी है वेज चिकन। तो आया था एक कमेंट में वेज कीमा। हाँ, तो यार यही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को भी अगर वेज बोला क्या सोयाबीन की बिरयानी चाहिए तो इस वीडियो में कमेंट करके बता देना। अगर ज्यादा कमेंट आए तो हम सोयाबीन की बिरयानी भी जरूर बनाएंगे। हाँ, बनती है, अच्छी बनती है माशाल्लाह। तो लेकिन बस उसमें तेल मसाला ज्यादा लगता है। चलो अब मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे नजर के झींगा बिरयानी बनाने के लिए अम्मी क्या क्या लेंगे। चलो, तो सबसे पहले लेंगे हम झींगे, चावल, तलेली प्याज, आलू, ये दो प्याज कच्ची, पुदीना, कोकम, कोथमीर, टमाटे, किशमिश, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ बिरयानी मसाला, यहाँ हमारे खड़े गरम मसाले जिसमें हमने लिए है जीरा, जावित्री, काली मिरी, बड़ी इलायची, फूल, तेज़पत्ता, लौंग और दालचीनी। और यहाँ हमारे मसाले हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्ला करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, झींगे को मसाला लगा लेंगे। झींगे देखो कितने बड़े बड़े हैं माशाल्लाह, इसके लिए बिरयानी का ख्याल आया, क्योंकि बिरयानी में बड़े हैं झींगे ना बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे भी दिखते भी नहीं, चावल के आड़ में छुप जाते। अब ये बड़े आ गए तो इससे अच्छा मैं बोली चलो मस्त, अब इसमें साफ भी कर लिए कट लगा लगा के अच्छे से पूरा, है ना। अब हम इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे। ये पूरा आधा किलो से भी ज़्यादा है झींगा। मानू मैं डालूँगी इसमें आधा चम्मच अदरक लहसुन। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा मिर्ची की बुक्की, थोड़ी हल्दी की बुक्की, और डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा ये कोकम का पानी। अभी हर जगह नहीं मिलता हमें कोकम। अरे नहीं मिलता है तो आप नींबू डालिए। लेकिन क्या सी फूड में ना ये कोकम का पानी ना बहुत अच्छा जायका आता है और मसाला भी ना अच्छा पकड़ता है, खट्टा जायका आता है। हाँ, खट्टा जायका, मतलब इसका ना दोनों का क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन अच्छा है। सी फूड में ना नींबू और दही से ज़्यादा ये मसाला ना कोकम के साथ पकड़ता है, मच्छी हो गया, झींगा हो गया, और इसका टेस्ट भी ना बहुत निखर के आता है कोकम डालने से। ठीक है, अब देखो हमने थोड़ा सा इसमें डाल दिए है कोकम, अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो देखो कोकम अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है, अब हम इसको इसी तरह छोड़ेंगे। इसमें डालेंगे अभी नमक, ये एक चम्मच नमक डाल देंगे, और इसके साथ साथ हम थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च भी डालेंगे। अब इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा कट लगा लियो मैंने बड़े झींगे है करके, क्योंकि झींगों के अंदर मसाले लगने चाहिए ना, छोटे झींगे में क्या झटपट लग जाता मसाला, क्योंकि वो रहता है इतना बारीक बारीक। अब ये बड़ा है इसके लिए इसको ना हर जगह से ना मुझे कट लगाना पड़ा, जैसा चिकन को कट लगाते ना इसी तरीके से। ठीक है, अब इसको मैंने मसाला अच्छे से लगा दी हूँ, अब कोकम भी डाल दी हूँ खट्टा खट्टा। और हाँ, जिसको कोकम ना मिले वो अच्छा इसमें एक से दो नींबू निचोड़ लीजिए मस्त खट्टा वाला। ठीक है, अब हम इसको रख देंगे साइड में। अब क्या करें हम, चावल मैंने आप लोगों को बता ही नहीं, पहले ही धो के इसको भिगा के रख दिया। आधा किलो चावल है, मतलब दो गिलास चावल है, ये बासमती राइस है जो हमेशा मैं बिरयानी बनाती हूँ ना वही चावल है। ठीक है, इसको धो के हमने यहाँ भिगा के रख दिए साइड में। अब हम रख दिए यहाँ टोप,
अब हम इसमें डालेंगे तेल। अब तेल ऐसा है देखो, कोई कम खाता है, कोई ज्यादा खाता है, सब अपने अपने हिसाब से खाते हैं, लेकिन बिरयानी में तो तेल अच्छा पड़ता है, इसलिए मैं तो इसमें कम से कम 150 ग्राम तेल पूरा ऐड करूंगी, ठीक है। और इसको अभी थोड़ा गर्म होने देंगे। तो चलो तेल गर्म हो गया हमारा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे खड़े गर्म मसाले डाल देंगे। एक दालचीनी का टुकड़ा ली हूँ मैंने, एक जावित्री ली हूँ, 8 से 10 काली मिरी ली हूँ, और एक बड़ी इलायची ली हूँ, और ये 2 फूल डाल रही हूँ, 3 तेज पत्ते, 3 लौंग, और ये जीरा। अगर आपके पास शाह जीरा है तो आप डाल देना, ठीक है। अब अच्छे से तड़क रहा है गर्म मसाला, मस्त मस्त तेल गर्म है, तो हम इसमें फटाफट ऐड कर देंगे हमारी 2 प्याज। यहाँ पर मैंने 2 बड़े बड़े प्याज काट के दी हूँ, ठीक है, और 4 प्याज मैंने फ्राई करके ली हूँ, 4 प्याज फ्राई करके ली हूँ, और 2 प्याज कच्ची ली हूँ, ठीक है। और फ्राई अनियन का वीडियो, हाँ फ्राई अनियन का वीडियो आप लोगों को दे चुकी हूँ ना मैंने ईद के पहले, तो आप देख लेना। अब हम इसको थोड़ा सा लाल करेंगे, ठीक है। तो देख रहे आप लोग, प्याज लाल होना शुरू हो गई है, तो हमको इसको पूरा लाल नहीं करना है, ठीक है। ये पक गई है अच्छी तरीके से। अब क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन, ये 1.5 चम्मच अदरक लहसुन है, ठीक है। इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर अदरक लहसुन अच्छे से 1 मिनट में भून ली हूँ, मस्त खुशबू आना चालू हो गई अदरक लहसुन की। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐड करेंगे हमारे आलू, क्योंकि हमने आलू फ्राई नहीं किए हैं ना, तो ये पकने चाहिए बिरयानी में, इसलिए हम तेल में ही पहले छोड़ देंगे। इसको मसाले के साथ साथ भूनते रहेंगे तो हमारे आलू 80% पक जाएंगे, है ना। कितने आलू है, 2? हाँ ये 2 आलू है, आप कितने भी लीजिए इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई 1 डालता है, कोई 2 डालता है, कोई तो डालता ही नहीं है ना, ये अपनी अपनी पसंद की बात है और कुछ नहीं। अब मैं क्या करूँगी, इसको ढक के 1-2 मिनट पका लूँगी, ताकि आलू भी नरम हो जाए थोड़ा हमारे तेल में, ठीक है। तो चलो 2 मिनट हो गए हैं मेरे, आलू डाल के मैंने अच्छे से भून लिया, और देखो प्याज भी लाल होते ही जा रही है, ठीक है, और आलू भी हमारे नरम हो गए हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ डालेंगे हमारे टमाटे, ये 2 से 3 टमाटे मैंने काट ली हूँ बारीक बारीक, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हम मसाले भी ऐड कर देंगे। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया की बुक्की, 1/2 चम्मच हल्दी बुक्की, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची की बुक्की, और तीखी लाल मिर्ची हम थोड़ी कम डालेंगे, क्योंकि हमने वहाँ मसाले में झींगे में भी मिलाए हैं, और हम बिरयानी मसाला भी ऐड कर रहे हैं। और ये डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच ज़ीरे की बुक्की, भुना हुआ ज़ीरा, ठीक है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, ताकि हमारे टमाटे अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट गल जाए। अब इसको मैं ढक के 2 मिनट और पका लूँगी, ठीक है। तो चलो 2 मिनट तक हो गए, मेरे मसाले और टमाटे भी अच्छे से गल गले हैं माशाल्लाह। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें ऐड करेंगे हम हमारी ये झींगे बड़े बड़े, सही बोलेंगे ना। तो झींगा पुलाव की भी रेसिपी मैंने डाल चुकी हूँ, लेकिन देख लेना आप उसमें कितने छोटे छोटे झींगे हैं, तो फिर वो झींगे ना ढूंढने पड़ते हैं चावल के आड़ में, क्या झींगे मिल जाए करके खाने। अब ये कैसे बड़े बड़े है, चिकन की बोटी की तरह है, इसके लिए इसको मैंने कट लगा के पकाई हूँ अभी, क्या ये आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सामने से बोलेंगे, मैं यहाँ हूँ। ये सामने से बताएंगे मुझे, से यहाँ से उठा लो, मैं आपके सामने ही हूँ। अब क्या करेंगे हम, इसका पूरा झींगे का जो पानी निकलते रहेगा ना, इसको निकलने देंगे, और इसका पानी सूखे तक पका लेंगे। इसी में हमारे झींगे भी पकते रहेंगे, आलू भी गलते रहेगा, है ना। तो देख रहे आप लोग, पूरा झींगे का पानी अच्छे से सूख गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हम ऐड करेंगे हमारा दही,
ये 200 ग्राम दही है, ये मैं पूरा फेंट के रखी थी, ये पूरा हम इसमें ऐड कर देंगे। कितना देर पकाया मैं? 5 मिनट पकाई मैंने झींगे का पानी सुखाने के लिए, भून भून के। ठीक है, अब हम दही डाल दिए हैं, अब ये दही के पानी में हमारा आलू और झींगा और पकेगा थोड़ा, है ना। इसके अंदर मैं ये प्याज भी थोड़ी सी डाल दे रही हूँ। ये भी डाल देंगे हम इसमें, थोड़ी सी कोथमीर भी डाल देंगे, थोड़ा पुदीना डालेंगे, और ये 1 चम्मच जो मैंने बिरयानी मसाला लेके रखी थी ना अलग से, ये भी डाल देंगे। ये थोड़ा सा हम बचा देंगे बाद में डाल देंगे। ये बिरयानी मसाले का वीडियो, ये बिरयानी मसाला मैंने घर में बनाई है, ये बिरयानी मसाला बाहर का नहीं है। और ये बिरयानी मसाला भी मैंने अपलोड कर चुकी हूँ मेरे चैनल पे, 2 किलो की बिरयानी मसाला, ये आप चाहे तो देख लेना। 2 किलो बिरयानी मसाला ये वीडियो बना के मैंने डाल चुकी हूँ, यही बिरयानी मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ अभी। ठीक है, अब हम इसको आराम से इसको 2 मिनट तक पकने देंगे धीमी आँच पे, ताकि हमारा आलू अच्छे से गल जाए। जब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा गैस चालू करके हम पानी चढ़ा देंगे गर्म होने के लिए। जैसा मेरा 2 गिलास चावल है, तो मैं 6 गिलास के आसपास पानी डालूंगी। अब इसके अंदर हम नमक डाल के इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। नमक कितना? 4 चम्मच। 2 गिलास चावल है, 4 चम्मच मैं नमक डाली हूँ, लेकिन मेरे चम्मच देख लो, आपने तो बड़े चम्मच से डाल देंगे, ये चम्मच। ठीक है, और वो भी 4 चम्मच मैं इसलिए डाली हूँ क्योंकि हमको चावल उबालने के बाद ये पानी तो फेंकना ही रहता है ना निथार के, तो हमारा खारा नहीं होता है चावल, खारापन पूरा पानी के साथ निकल जाता है। ठीक है, तो चलो इसमें मैंने खाली नमक डाली थी, अब हम इसमें गर्म मसाले भी छोड़ देंगे। 2 तेज़पत्ता डालेंगे, 1 फूल डालेंगे, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, और थोड़ी सी शाहजीरा, 2-4 काली मिरी और 2 बड़ी इलायची। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें 1 से 2 हरी मिर्ची भी डाल देंगे थोड़ा तेज़ करने के लिए। और ये इसके अंदर जिसको केवड़ा पानी, गुलाब पानी जो डालना है वो ये पानी में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे फास्ट गैस पे पलटी कर दी है ये, और स्लो पे पलटी कर दी है ये हमारा मसाला पकने के लिए। ठीक है, अब इसको एक बॉयल आएगा जब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल के लिए पानी मेरा बॉयल हो गया है, अब मैं इसमें ये चावल में का जो पानी था वो निथार के लेके आ गई। अब हम इसको हल्के हाथ से डालेंगे ताकि हमारे हाथों पे छींटे ना उड़े। और कितना चावल है? ये 2 गिलास चावल है, 1/2 किलो से थोड़ा ज्यादा ही होगा। अभी देखो मैं वजन करके नहीं लाई हूँ, घर में था तो गिलास के हिसाब से, गिलास से नाप करके ली हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें ये 1/2 लीमू निचोड़ लेंगे और थोड़ा सा तेल ऐड कर लेंगे। ये नींबू और तेल हम क्यों ऐड करते हैं? हमारे चावल सॉफ्ट और खिले खिले बने, इसके लिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम ये चावल को 80% पका लेंगे, 50-50 नहीं पकाएंगे, 80%। हम सिर्फ इसको 10 से 15 मिनट ही दम पे रखने वाले हैं, 40 मिनट दम पे नहीं रखने वाले हैं। इसके लिए हम इसको हाफ कुक नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चावल बॉईल हो रहा है, जब तक हम क्या करेंगे, हमारे जरा मसाले के ऊपर भी नजर मार लेते। हमने एकदम स्लो आंच पे रखे हैं इधर। हाँ, खुशबू तो आ गई मस्त वाली, और यहाँ पे मेरे आलू भी अच्छे से कुक हो गए हैं एकदम मस्त में, और यहाँ पे मेरा झींगा भी मस्त कुक हो गया है, यानी कि दोनों भी अच्छे से रेडी हो गए हैं, और मसाला तो तैयार ही तैयार है ना। अब हम यहाँ पर हमारा गैस कर देंगे बंद, अब ज़्यादा सुखा देंगे तो पूरा मसाला ही सूख जाएगा, थोड़ा सा तो रहना चाहिए ना ढीला, ताकि हम इस पे दम पे चावल बिछा सके। इसके लिए हम जल्दी से अभी हमारा ये वाला गैस बंद करके इसको ढक देंगे और चावल पकने का इंतजार करेंगे। ठीक है, तो चलो चावल मेरे अच्छे से पक गए खिले खिले। देखो भिगा के रखने से एक फायदा होता है, चावल अच्छे ना लंबे लंबे पकते। ठीक है, अब हम बात नहीं करेंगे ज्यादा ना, तो हमारे चावल नरम हो जाएंगे। हम यहाँ गैस बंद करेंगे और हम इसको निथार के लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ मैंने चावल का पानी अच्छे से निथार ली हूँ,
अब क्या करेंगे हम यहाँ चावल को इसी तरह से छोड़ के यहाँ पे हमने गैस पे एक छोटा सा फ्राई पैन रख दिए है। अब बोलेंगे आंटी फ्राई पैन किस लिए, तो जो मैंने किशमिश बताई थी ना बस उसी लिए हम थोड़ा किशमिश को फ्राई करेंगे और हमारी बिरयानी पे ऐड करेंगे। जैसा आप लोगों ने मंडी में डाले थे ना, मैंने देखे थे ना आप लोगों ने, मैंने मंडी में डाली थी मंदी, अच्छा बाबा मंदी, तो उसमें डाले थे ना, तो बच्चे लोग को मेरे पसंद आता है ज़रा किशमिश, मैं 2-3 बार पका चुकी हूँ इस तरह डाल के, तो इसके लिए मैं ये बिरयानी में ऐड करूँगी, ठीक है। ऊपर से आप चाहे तो इसमें काजू बादाम आपकी पसंद के ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, मैं सिर्फ किशमिश ही फ्राई करके डालूंगी। तो देख रहे हैं आप लोग मेरी किशमिश यहाँ पे फ्राई हो गई है, मैं गैस कर रही हूँ बंद, बस अब हम इसको इसी तरीके से यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ पकने देंगे, अब आ जाएंगे हम यहाँ हमारे मसाले की बारी। मस्त मेरा मसाला रेडी हो गया है, अब हम इसमें चावल बिछा देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो मैंने हरी इलायची पीस के रखी हूँ ना, हम इसका पाउडर डालेंगे खुशबू के लिए, ठीक है। आप डालेंगे हमारी ये ढेर सारी प्याज ऊपर से, ये डाल दिए। अब डालेंगे थोड़ी सी कोथमीर, मैं डबल लेयर नहीं कर रही हूँ, बस सिंगल लेयर पे ही दम की अब लगा रही हूँ, ठीक है। अब हम ये डाल दिए, अब क्या करेंगे हम, ये डालेंगे हमारे चावल, बिस्मिल्लाह। इसी तरीके से मैं पूरे चावल मेरे बिछा दूंगी। तो देख रहे हैं यहाँ मैंने मेरे पूरे चावल अच्छे से बिछा ली हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारी फिर से ये कोथमीर, थोड़े से पुदीने, फिर यहाँ पे डालेंगे हम थोड़ी सी प्याज, अब डालेंगे हम इसमें ये थोड़ा सा ग्रीन कलर, ग्रीन कलर एकदम नाम के लिए थोड़ा थोड़ा सा मैं ऐड करती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, हाँ मुझे जर्दे वाला कलर ज़्यादा लगता है थोड़ा, ठीक है। तो मैं ये डालूँगी बिरयानी का कलर, बिस्मिल्लाह, इस तरीके से। और ये कलर मैं जो डाल रही हूँ आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लगे तो डाले, नहीं अच्छा लगे तो ना डाले, ठीक है। अब क्या करेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके ये जो तेल है ना, ये प्याज का तेल है, जो प्याज फ्राई करे थे ना हमने, बस ये हल्के से थोड़ा 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 ये ऐड करेंगे, तो बस हम ये 2 से 4 चम्मच तेल डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे जो अभी फ्राई करे ना हमने किशमिश, ये हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें से कैसा है, किशमिश जिसको खाना है वो खाए, इसके साथ हमारा ये घी भी हमने इसमें ऐड कर दिए। बहुत से लोगों को किशमिश नहीं पसंद आता है और बहुत से लोगों को पसंद आता है, तो जिसको जिसके घर में ऐसा है कि आधे लोग खाते और आधे लोग नहीं खाते, तो उसके लिए एक आइडिया देती हूँ कि एक कोने में आप घी का बघाड़ देके किशमिश को छोड़ दीजिए, जिसको नहीं खाना है उसको ये साइड से खाना ही मत दीजिए, इस तरीके से आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने सब चीज़ें ऐड कर दी हूँ, अब हम इसको बिस्मिल्लाह करके बंद कर देंगे अच्छे से, और इसको हम हमारे गैस पे रख देंगे, हम ये वाले गैस पे रखेंगे, बड़े वाले गैस पे। रियाज को बहुत इधर से उधर भागना पड़ रहा है। तो अब मैंने गैस जला दी हूँ, अब इसको मैं ढक के कम से कम 10 से 15 मिनट तक आराम से पकने दूंगी, एकदम ये 1 मिनट तक मैंने एकदम फास्ट रखी हूँ गैस, उसके बाद मैं इसको मीडियम से भी स्लो कर दूंगी 15 मिनट तक, ठीक है। तो चलो 15 मिनट हो गए हैं बिरयानी को दम पे रख के, अब हम देख लेते हैं। ओहो हो हो, क्या खुशबू भी मस्त आ रही है और दिख भी मस्त रही है, और इंशाल्लाह टेस्ट भी मस्त होगा, ठीक है। लेकिन हम इसको ढक देंगे, अब हम इसको गैस बंद कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे, 10 मिनट के बाद निकालेंगे। तो चलो 10 मिनट हो गए,
अब मैं मेरे बिरयानी खोल के निकालने की तैयारी करूंगी। वाह अभी भी देखो मस्त भाप आ रही है ना, निकालूं मैं आप लोगों को बताऊं। वाह ओ माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, देख रहे आप लोग चावल कितने खिले खिले। मैं आप लोगों को झींगा का झींगा दिखाओ। अरे झींगा भी दिखाती हूँ, वही झींगा भी दिखाती हूँ। कहाँ है झींगा? ए देखो आलू आ गया। ए पोपट हो गया। तो दोस्तों तैयार हो गया अपना झींगा बिरयानी। बस करो बस करो, कितना झींगा देखोगे, ये देखो बड़े बड़े झींगे। यार झींगे तो बहुत लोग खाए होंगे, लेकिन इतने बड़े बड़े झींगे ना बहुत ही कम लोग खाए होंगे। और कौन कौन इतने बड़े बड़े झींगे खाया ना, ये कमेंट करके मुझे जरा बता देना। हाँ, अभी जल्दी क्योंकि मैं तो खाऊंगा यार बड़े बड़े झींगे। अभी फटाफट निकालो, साथ में ना मैंने कुचुम्बर भी बनाया है। क्या बिरयानी के साथ ये कुचुम्बर मिल जाए ना और मजा आ जाती है। आहा आने दो। और एकदम मसालेदार बनाई हुई एकदम ऐसा। और ये बिरयानी में अम्मी ने थोड़ा तड़का मारे है, वो में क्या था, कोकम कोकम तो कोकम डाले है। अभी कोकम तो हर जगह मिलता नहीं, बहुत से कमेंट आते कि कोकम क्या है, तो कोकम एक खटाई के जैसा रहता है, खट्टा, वो खाने में थोड़ा खटाई का टेस्ट देता है ना। ले लो दही ले लो आने दो। ओहो किशमिश और झींगा यार सही में देखो, अपने घर में जो बोटी होती है ना चिकन की, हाँ वैसी उसका साइज है देखो, बोनलेस बोनलेस हड्डी का सवाल ही नहीं उठता, उठाओ और खाओ और सीधा खाओ। हाँ और मसाला एकदम जबरदस्त लगेगा उसको। आया मोर पानी खाली ऐसी दाल के नहीं छोड़ी मैंने उसको, मसाला तो सही अच्छा लगे। झींगे को मसाला लगना बहुत जरूरी है। बिस्मिल्लाह करते हैं, आधी पूरी बोटी, साथ में कुचुम्बर। लास्ट बिरयानी हमें खिलाया था तो कुचुम्बर देना भूल गया था, तो अभी मैंने कुचुम्बर भी ले लिया है और साथ में बोटी के साथ। हेलो मेरा बड़ा नहीं वाला रहता है ना। कैसी बनी अम्मी, खा लो पहला फिर बता दो। आओ भाई आओ अभी अपनी डाई। पहले ना मैं सूखा झींगा खाऊंगा। ये देखो ये ना सूखा झींगे का टुकड़ा, मस्त गला है। अब किशमिश झींगा और चावल भर के और साथ में फ्राई अनियन भी। कोकम का पानी डाल के झींगे को हल्दी नमक लगा के अदरक लहसुन लगा के एक घंटा छोड़ दोगे ना आप, तो उसमें मसाले इतने अच्छे तरीके से निखर के आते ना, मसाला छोड़ता नहीं झींगे को। मस्त ये रहा झींगा, मस्त है ना, मस्त है। नहीं तो क्या है, सादा सादा लगता है झींगा, झींगा लग जाता है मसाला लग जाता है तो फिर वो टेस्ट नहीं आता है। बहुत से लोग चिकन मटन भी नहीं खाते जिसको सिर्फ सी फूड पसंद होता है, तो यार वो अभी ये झींगे की बिरयानी बना के खाओ। और झींगे की बिरयानी अगर जिसको मिलेगी तो भाई, वो कौन सी बिरयानी बोला था मैं, सोयाबीन की बिरयानी कौन जाएगा आप बताओ। हाँ, लेकिन फिर भी अगर कमेंट आएगी कि सोयाबीन की बिरयानी बनाओ तो हम जरूर बनाएंगे, इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगी मैं, मेरे बच्चे जो कमेंट्स करेंगे। और झींगा बिरयानी मैं बनाई हूँ अभी, मैंने झींगा पुलाव की भी डिश डाल चुकी हूँ, झींगा मसाला डाल चुकी हूँ। हाँ, जो आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लेना पीछे। फ्राई ऑनियन की भी रेसिपी हमने डाली है, बिरयानी मसाले की भी रेसिपी हमने डाली है। तो हाँ, जो इसमें मैंने बिरयानी मसाला ऐड करी हूँ ना, एक चम्मच भर के, वो मैंने वीडियो बना के डाल चुकी हूँ, 2 किलो की बिरयानी मसाला। हाँ, यानी कि आप मसाला का जो अम्मी ने क्वांटिटी बताया ना, तो तुम 2 किलो की बिरयानी में यूज कर सकते। तो मैं घर में भी बना के रखती हूँ 2-2 किलो की, 3-3 किलो की एक सेट डब्बे में, तो मैं उसमें से बराबर मेरे 1 किलो को कितना लगता है, आधा किलो को कितना लगता है, वो मेजरमेंट मुझे पता रहता है। तो आप लोग मेरी वीडियो देख लेना, मैंने 2 किलो के नाप से वो बिरयानी मसाला बनाई। और अम्मी ने जो इस बिरयानी में किशमिश डाले हैं, वो हमने हमारी जब मंदी की रेसिपी बनाए थे ना, तब अम्मी ने डाले थे काजू बादाम और किशमिश, तो अम्मी ने बोले चलो इसमें भी डालते हैं। हाँ, नहीं मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया। हाँ, ये चावल में ना किशमिश डाल के खाओगे आप, मतलब ट्राई करो मजा आएगा, बहुत पसंद आया। तो मैं अभी घर में भी कभी पुलाव बनाती हूँ तो ऐड करती हूँ, तहारी बनाती हूँ तो ऐड करती हूँ, तो बच्चे मेरे शौक से खाते हैं। तो बिरयानी में भी डाली हूँ मैंने 1-2, तो मैं बोली आज झींगा बिरयानी में भी डाल देती हूँ, अगर आप लोग ऐसा डाल के खा के अगर अच्छा लगा तो डालना, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, ठीक है।
तो भाई थैंक यू मेरी नाजिया पा को, उसने इतना बड़ा बड़ा झींगा भेजी। हाँ नहीं ये बहुत दिल से बोलता है झींगा बिरयानी खाना, लेकिन झींगा बिरयानी बनाने के लिए ना झींगा बड़ा ही चाहिए। वो छोटे छोटे झींगा झींगे में झींगा पुलाव ही बनेगा, बिरयानी नहीं बनेगी। क्योंकि जब मैं ऐसा मसाला निकाल के आपको दूंगी तो वो आपको खाली लगेगा चावल दे रहे हो मसाला दिख रहे, झींगा नहीं दिखेगा। ये बड़े झींगे थे करके मैंने बिरयानी बनाई, मतलब जो दिखता है वो बिकता है। बोटी जैसा दिखना चाहिए ना। अभी देखो कैसे प्लेट में बोला अम्मी लाओ लाओ झींगा लाओ, तो अब मैं मसाले में थोड़ी हाथ डाल के झींगे ढूंढूंगी। अभी ये बड़े हैं तो ये दिख के आ रहे हैं चम्मच में, तो मैं दी देखो ऐसा। और छोटे झींगे मिले तो पुलाव बना के खा लेना, क्योंकि मैंने पुलाव की भी रेसिपी डाल चुकी हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो। जो हमारे चैनल पे नया है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो अभी। सोयाबीन की बिरयानी डालने के बाद सब्सक्राइब करेंगे क्या? तो भाई सब्सक्राइब करो और हमारी इस प्रॉन्स बिरयानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है? और कौन सी बिरयानी और देखना चाहते हो जो मैंने नहीं बनाई हूँ वो मुझे बता देना, ठीक है? फिश बिरयानी, फिश फिश मैंने बता दो, याद दिला रहा। नहीं बोली थी। मैं याद दिला रहा हूँ, पूछी थी मैं याद दिला रहा हूँ। ठीक है अभी चलो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। दुआ में याद रखना।